ऑलराइट, अब हम देखेंगे प्रिंटर्स में से फर्स्ट प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इमेज डिस्प्ले की है, वो ऐसा दिखाई देता है, राइट। ये ऊपर का जो है वो कवर है, राइट, के अगर हमें कवर लगाना है ताकि नॉइज इतना ना आए, तो ये कवर है। ये जो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप जैसा दिखाई देता है, वो पेपर को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए है। और पूरा प्रिंटिंग मैकेनिज्म ये बॉक्स के अंदर होता है। अब अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें, राइट, देन इट डिपेंड्स कि उसके अंदर हमने कैसे सेटिंग्स किए हैं, राइट। उसके ऊपर से वो ऐसे कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, दे आर प्रिंटेड इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। ये देखिए, यहाँ पे ये आपको डॉट्स वाले ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस प्रिंटर इज नोन एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउ द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, दैट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज वायर मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट। इट इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगेन आई रिपीट, इट इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक कैरेक्टर एक टाइम के ऊपर प्रिंट होता है, राइट। अगर मुझे कोई भी पेपर के ऊपर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो, या फिर इमेज प्रिंट करनी है, तो मुझे पैटर्न ऑफ डॉट्स का यूज करना पड़ेगा, तो ही मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर इमेज प्रिंट कर सकती हूँ। जैसे आपको ये स्लाइड के ऊपर मैंने दिखाया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करके जो भी कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, वो डॉट की पैटर्न के ऊपर वो प्रिंट होंगे, राइट। नाउ द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर वो कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है, उसके ऊपर से हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। नाउ अगेन, डिफरेंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड डिफरेंट होती है, और वो जो प्रिंटआउट निकलता है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंटआउट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज एक ही कैरेक्टर के लिए उसे डॉट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म डालनी पड़ेगी, राइट। इट डिपेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड वेरी करती है, राइट, स्पीड डिफरेंट हो सकती है। कोई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे भी है जो 200 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करते हैं, कोई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऐसे भी है जो 500 कैरेक्टर्स पर सेकंड भी प्रिंट कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड दैट इट डिपेंड्स ऑन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हम कौन सा डॉट मैट्रिक्स को प्रिंटर, कौन सी टेक्नोलॉजी वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रिंट की क्वालिटी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पिन्स जो हैमर के ऊपर रखी जाती है। अगेन आई रिपीट, प्रिंट की क्वालिटी हम नंबर ऑफ पिन्स के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं जो हैमर के ऊपर, या फिर मोर प्रिसाइज प्रिंट हेड के ऊपर बनाई जाती है, राइट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिन्स होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंटआउट हमें मिलेगा। अगेन आई रिपीट, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पिन्स पर इंच होगी, उतनी हायर रिजोल्यूशन वाला प्रिंटआउट हमें मिलेगा। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो 9 पिन्स वाले भी आते हैं और 24 पिन्स वाले भी आते हैं। सो हमें पता है कि अगर हमें बेस्ट प्रिंटआउट चाहिए, तो हमें 24 पिन्स वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही क्लियर इमेज के साथ, क्लियर क्वालिटी के साथ हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करके देगा, राइट। नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है, इट कैन रेंज फ्रॉम 72 डॉट्स पर इंच या फिर 360 डॉट पर इंच, मतलब एक इंच के अंदर 72 डॉट्स वाला भी रेजोल्यूशन वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिलता है, और एक वन इंच के अंदर 360 डॉट्स वाला भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमें मिलता है। सो एज आई हैव टोल्ड दैट स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से टाइप का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं, उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस प्रिंटआउट की क्वालिटी, कैरेक्टर्स कितने क्लियर होंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बहुत ही लो है। वो तो मैंने आपको इंपैक्ट प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आपको दिखा दिया,
राइट, कि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही लो है, बिकॉज प्रिंट आउट करने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट करने के लिए मोर प्रिसाइज वो इंक रिबन का यूज करता है, और इंक रिबन बहुत ही चीप मिलते हैं, मतलब बहुत ही सस्ते मिलते हैं। दैट्स वाई अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें then they are very low. और ये dot matrix printer is also inexpensive, मतलब इतना ज्यादा maintenance उसका आता नहीं है. Now printers के अंदर again it depends कि हम कौन से type का printer use करते हैं students. उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से टाइप के फॉन्ट प्रिंट करने हैं, पर्टिकुलर वन लाइन के अंदर हमें कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसा भी पेपर का रोल यूज़ कर सकते हैं कि जिसके बीच में कार्बन पेपर हो, ताकि एक ही टाइम पे मैं एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज भी प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ. सो वो सारी सेटिंग्स हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर करनी पड़ेगी, तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स, लाइन डेंसिटी, मतलब एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स हम प्रिंट कर सकते हैं वो, राइट, वो सारी चीजें भी हम पर्टिकुलर प्रिंटर के अंदर सेट कर सकते हैं. बहुत सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे भी होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं. बाई डायरेक्शनल मतलब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रिंट आउट कैसे निकलती है प्रिंटर के अंदर से. जब भी उसका प्रिंट हेड लेफ्ट टू राइट मूव होता है तब वो कैरेक्टर प्रिंट करता है. नाउ जब कोई प्रिंटर लेफ्ट टू राइट हो जाता है तब वो कैरेक्टर प्रिंट करता है, देन इट इज नोन एज वन डायरेक्शनल. लेकिन अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेफ्ट टू राइट जाता है तभी भी कैरेक्टर प्रिंट करता है, और राइट टू लेफ्ट आता है उसका प्रिंट हेड तभी भी वो कैरेक्टर प्रिंट करता है, देन इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल. राइट, सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर बाई डायरेक्शनल प्रिंटर हम यूज करेंगे तो उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त भी कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा और राइट टू लेफ्ट आते वक्त भी प्रिंट हेड कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा. राइट, ऑल राइट, बट द लिमिटेशन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज हम जो टाइप की, जो कलर की इंक रिबन यूज करेंगे उसी कलर की प्रिंट आउट हमें मिलेगी, मतलब कलर्ड प्रिंट आउट नहीं मिलेगी, मल्टी कलर प्रिंट आउट नहीं मिलेगी. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंक रिबन होती है वो ब्लैक या फिर डार्क ब्लू कलर में आती है या फिर डार्क ग्रीन कलर में आती है. ऑब्वियसली वो डार्क कलर में ही उसकी इंक होगी, और उसके अंदर एट अ टाइम हम एक ही रिबन अटैच कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी प्रिंट आउट कैसी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी. राइट, नाउ अगर हम कंपेयर करें लेजर प्रिंटर के साथ, राइट, विच इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है या फिर मीडियम क्वालिटी होगी. अगेन आई रिपीट, अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विच इज इम्पैक्ट प्रिंटर और लेसर प्रिंटर विच इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अगर हम ये दोनों की प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी लो या फिर हम मीडियम क्वालिटी प्रिंटिंग कह सकते हैं. Right? Another thing is that image printing ability is also very limited. Students, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो मुझे उसका प्रिंट हेड यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर से ही मैं प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, मतलब प्रिंट कर सकती हूँ. Now what will be the scenario? प्रिंट हेड के ऊपर वो जिस हिसाब से इमेज बनाएगा, जिस हिसाब से डॉट की पैटर्न बनाएगा, वैसी इमेज हमें पेपर के ऊपर दिखाई देगी. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो हम अच्छी तरह से प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे उसकी, बिकॉज पैटर्न ऑफ डॉट्स के ऊपर हमें दिखाई देंगे तो उसका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होगा. जैसे अगर हम स्लांट लाइन ड्रॉ करने जाएंगे, राइट, जैसे हम इस हिसाब से लाइन प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो वो ब्रोकन आएगी, राइट, बिकॉज इसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है और स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स कि वो पेपर सीधा ही होना चाहिए, राइट. तो बहुत सारे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो हम अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एप्लीकेशन क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, पेरोल डिपार्टमेंट में, पर्सनल डिपार्टमेंट में, ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे इमेजेस प्रिंट नहीं होती है, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होता है, राइट, वहाँ पे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है. सो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
मोस्ट ऑफ द टाइम कैश रजिस्टर्स प्रिंट करने में काम आता है, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट्स की बात करें तो बैंक में भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। बिकॉज लो कॉस्ट और लो क्वालिटी अगर होगी ऐसे स्टेटमेंट्स की तो चलेगा, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करने हैं, हमें कोई इमेज प्रिंट नहीं करनी है। एंड दिस प्रिंटर इज मोर प्रिसाइज यूज इन द सिचुएशन कि जहाँ पे हमें कार्बन कॉपीज भी प्रिंट करनी है, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट की एट अ टाइम मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मैं उसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर ऐसे पेपर का रोल भी इंसर्ट कर सकती हूँ कि जिसके टू पेपर के बीच में कार्बन पेपर होगा, तो एट अ टाइम एक ही डॉक्यूमेंट की मुझे मल्टीपल कॉपीज भी मिल जाएगी, राइट। एंड द ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे हमें क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करना है, मतलब क्वालिटी मेजर नहीं करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिचुएशन है कि हम कहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे यूज होता है? सी ओवर हियर, जैसे मैंने आपको बताया राइट कि प्रिंट हेड होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिबन होगी, दैट इज इंक रिबन है ये, राइट। और ये पेपर है, ये पेपर ये जो रबर रोलर है उसके साथ लगाया गया होगा, बिकॉज हमें पता है कि जैसे जैसे प्रिंट प्रिंट होती जाती है पेपर को हमें ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये हमें रोलर चाहिए जो ये डायरेक्शन में रोटेट होगा, राइट। सो व्हाट विल द सिनेरियो, जैसे वन लाइन प्रिंट होगी पेपर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, दूसरी लाइन प्रिंट होगी अगेन पेपर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये प्रिंट कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, सी ओवर हियर, इसे हम प्रिंट हेड कहेंगे, राइट, बिकॉज इसके अंदर क्या है, पिंस लगाई गई है, राइट। और ये पिंस के ऊपर से पैटर्न ऑफ डॉट्स बनेगी और पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होगा, राइट। अब ये जो हेड है, प्रिंट हेड है, राइट, उसके ऊपर छोटी छोटी पिंस होगी, राइट। और ये प्रिंट हेड के साथ मैग्नेट भी होगा, बिकॉज मैग्नेट किसके लिए होता है, ताकि वो स्ट्राइक करके वापिस आ सके, अगेन आई रिपीट, वो स्ट्राइक करके वापिस आ सके। सो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म के लिए, हैमरिंग मैकेनिज्म के लिए ये मैग्नेट का यूज होगा। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो, ये प्रिंट हेड है वो किसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इंक रिबन किसके साथ प्रेस हो जाएगी, पेपर के ऊपर प्रेस हो जाएगी, और पेपर को पीछे मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली जो पैटर्न ये प्रिंट हेड के ऊपर बनाया गया होगा इन टर्म्स ऑफ पिंस, जितनी पिंस एक्टिवेटेड होंगी, राइट, वो पर्टिकुलर पिंस एक पैटर्न फॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, वो ये इंक रिबन के ऊपर प्रेस होगा, और ये इंक रिबन पेपर के ऊपर प्रेस हो जाएगी ताकि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें पेपर के ऊपर दिखाई दे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल थिंग कि कैसे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज वर्क करता है। इसके अंदर इतनी ही चीजें होती है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिंट हेड होता है, राइट, उसके ऊपर पिंस होती है। सो एज यू आर एबल टू सी कि अगर मुझे यहाँ पे टू डॉट्स और नीचे वाले टू डॉट्स, सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, सी यहाँ पे टू डॉट्स प्रिंट करने हैं और यहाँ पे टू डॉट्स प्रिंट करने हैं, तो ये जो प्रिंट हेड होता है उसके ऊपर जो पैटर्न के डॉट्स बनते हैं वहां पे ये फोर पिंस ही एक्टिवेट की जाएगी, मतलब प्रेस की जाएगी, राइट, एम्बोज की जाएगी, ताकि इतने ही डॉट्स प्रिंट हो। लेकिन अगर मुझे सारे डॉट्स प्रिंट करने हैं तो ये जो बाकी की पिंस है जो एक्टिवेटेड नहीं है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, ताकि इस हिसाब से सारे डॉट्स वो प्रिंट कर सके। अब हमें पता है कि ये प्रिंट हेड है वो ये डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, दैट इज लेफ्ट टू राइट। Now, as I have told students, कि जितनी ज्यादा पिंस होंगे प्रिंट हेड के ऊपर वो उतना ही अच्छी तरह से कैरेक्टर प्रिंट कर पाएगा। अगेन आई रिपीट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंट हेड के ऊपर जितने ज्यादा पिंस होंगी उतनी अच्छी रिजोल्यूशन वाला वो कैरेक्टर प्रिंट कर पाएगा। तो ये आप फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे, दैट इज डायग्राम ए, उसके अंदर जो प्रिंट हेड है, राइट, अगर हम ऐसा कम पिन वाला प्रिंट हेड यूज करेंगे तो हमें कैरेक्टर भी ऐसे
दिखेगा, दैट इज विथ लो रिजोल्यूशन। लेकिन अगर हम ज्यादा पिन वाला प्रिंट हेड यूज करेंगे तो हमें कैरेक्टर की पैटर्न जो बनाई देगी, दिखाई देगी, वो अच्छी रिजोल्यूशन वाली होगी। क्यों ऐसा है? बिकॉज यहाँ पे पिन्स कम है तो जो डॉट्स है वो बहुत ही सेपरेट है, सी बीच में बहुत सारी स्पेस है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हेड है उसके अंदर बहुत सारी पिन्स है, प्रिंट हेड की साइज तो सेम ही है। ओनली द थिंग इज दैट सेम साइज वाले प्रिंट हेड के ऊपर कितनी पिन्स है उसके ऊपर से उसका कैरेक्टर का रिजोल्यूशन, कैरेक्टर की क्लैरिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जितनी ज्यादा पिन्स वाला प्रिंट हेड हम यूज करेंगे तो वो कैरेक्टर भी हमें उतना अच्छी तरह से दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर हम कम पिन वाला प्रिंट हेड यूज करेंगे तो कैसा कैरेक्टर होगा, और अगर हम ज्यादा पिन वाला प्रिंट हेड यूज करेंगे तो कैरेक्टर कैसा बनेगा, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत ही सिंपल है, राइट? पेपर प्रेस कहाँ पे होता है? जो रबर कोटेड सिलेंडर है उसके ऊपर वो प्रेस होता है, और बाद में ये आगे भी मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ताकि वो प्रिंटिंग प्रोग्रेस हो सके, राइट? नाउ दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन प्रिंट हेड। जैसे मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कि ये जो प्रिंट हेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ बनाया गया है, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन प्रिंट हेड है जिसके ऊपर वायर्स या फिर आप उसे पिन्स भी कह सकते हो, जिसके ऊपर क्या बनाया गया है, पिन्स बनाई गई है, राइट? और वो पिन को हमें एक्टिवेट करना है अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो। सो अगर मुझे कैरेक्टर फॉर्म करना है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन प्रिंट है उसे मुझे मूव करना पड़ेगा अक्रॉस द पेपर, राइट? जहां पे ये प्रिंटर के अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, राइट? सो क्या होगा, ये जो प्रिंट हेड है, राइट, वो रिबन के ऊपर स्ट्राइक होगा, और रिबन किसके ऊपर स्ट्राइक होगा, पेपर के ऊपर स्ट्राइक होगा, राइट? ये पेपर के ऊपर जैसे ही रिबन स्ट्राइक होगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट हेड, राइट, वो हेड पेपर के ऊपर स्टैम्प हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंक रिबन, और पर्टिकुलर कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ डॉट्स पेपर के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि इसके अंदर मैकेनिकल नेचर है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। यहाँ पे प्रिंट हेड है, राइट? प्रिंट हेड के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टर बनाया गया है, यहाँ पे रिबन है, यहाँ पे पेपर है, और यहाँ पे वो रोलर है, राइट? ये प्रिंट हेड, ये इंक रिबन है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये इंक रिबन किसके ऊपर प्रेस हो जाएगी, पेपर के ऊपर प्रेस हो जाएगी। अब ये पेपर पीछे तो मूव कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे रोलर है, तो ये प्रिंट हेड के ऊपर जो कैरेक्टर बनाया गया है वो कैरेक्टर ये इंक रिबन थ्रू पेपर के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉट्स ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स, राइट? अब ये डॉट्स कितने छोटे हैं, कितने दूर दूर बनाए गए हैं या फिर कितने पास बनाए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कैसे इमेज मिलेगी, मतलब कैसे कैसा कैरेक्टर मिलेगा। बहुत सारे अच्छे वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उसके प्रिंटआउट को देखेंगे तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये डॉट की पैटर्न के ऊपर से बना है, राइट? लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उसकी प्रिंटआउट देखेंगे तो हम उसके ऊपर से देख सकते हैं कि वहाँ पे डॉट्स है। आप अगर आपके घर पे बैंक स्टेटमेंट है या फिर पासबुक है जो प्रिंटआउट निकाली गई है तो आप उसे ओपन करके देखना, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मैं कैसे प्रिंटआउट की बात कर रही हूँ, राइट? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है। सी एज यू आर एबल टू सी, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, राइट? ये जैसे जैसे प्रिंट करता जाएगा, राइट, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये प्रिंट हेड स्ट्राइक करता है प्रिंटआउट निकालने के लिए, राइट? सो ये जो प्रिंटआउट निकलती है वो ऐसे इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स के अंदर होगी, राइट? जैसे आपको ये पर्टिकुलर इमेज के अंदर दिखाई गई है,
राइट। सो अगेन एज आई हैव टोल्ड दैट इट डिपेंड्स कि हम कितनी पेंस यूज करते हैं, उसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि पेपर के ऊपर जो प्रिंट आउट निकली है उसकी क्वालिटी कैसी होगी। और अगर मैं ये दो पेपर के बीच में कार्बन पेपर रख दूंगी तो मुझे मल्टीपल कॉपीज भी प्रिंट आउट में मिल सकती है, राइट। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट, जहाँ पे हमने उसका बेसिक देखा और उसके साथ साथ हमने उसका वर्किंग भी देखा।